नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एमएस यूनिवर्सिटी के द्वारा सेकेंड राउंड के लिए जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है फर्स्ट ईयर बीकॉम ऑनर्स के लिए वो डिक्लेयर कर दी गई है। सेकेंड मेरिट लिस्ट के अंदर जिस भी स्टूडेंट्स का नाम आ चुका है उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो भी फैकल्टी ने डिक्लेयर कर दिया है। 30 जून और 1 जुलाई को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होने वाला है, और उसका जो शेड्यूल है मैंने सीरियल नंबर वाइज मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पेज पर पोस्ट कर दिया है, जिसके अंदर आपको डेट दिखेगी और सीरियल नंबर दिखेगा और उसमें क्लासरूम नंबर दिखेगा। आपको उस टाइम पर उस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग उस क्लासरूम में जाना है। अब मैं थोड़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कल 30 जून है और 30 जून को संडे है, लेकिन कल फैकल्टी ऑफ कॉमर्स और एमएस यूनिवर्सिटी चालू है और कल फर्स्ट ईयर बीकॉम का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वही स्टूडेंट्स आए कि जिनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सेकेंड मेरिट लिस्ट के अंदर जिस भी स्टूडेंट्स का नाम आ गया है और कल 30 जून यानी कि रविवार है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने रहेंगे। अगर आप सभी लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको सबसे पहले जीकास का एप्लीकेशन फॉर्म जो 300 रुपीज़ आपने पेमेंट किया था उसका प्रिंट आउट, जीकास के पोर्टल पर से आपको ऑफर लेटर डाउनलोड करना है, उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, उसका प्रिंट निकलवाना है, वो आपको लेके आना है। ये दो चीज़ कंपलसरी आपको लानी रहेगी। उसके बाद में 12th बोर्ड की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट और उसकी दो जेरोस कॉपी, साथ साथ में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट LC, ओरिजिनल LC और उसकी दो जेरोस कॉपी, ये आपको साथ में लानी रहेगी। उसके बाद में मैं आपको बता दूँ, इफ़ आपके पास अटैम्प्ट सर्टिफिकेट हो तो ओरिजिनल अटैम्प्ट सर्टिफिकेट और उसकी दो जेरोस कॉपी आपको लानी रहेगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट था वो था जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, और साथ साथ में थैलेसीमिया ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, थैलेसीमिया ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कंपलसरी है, उसकी भी जो अपडेट है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इतने डॉक्यूमेंट लाने हैं, और जो भी स्टूडेंट्स सेंट्रल बोर्ड CBSE बोर्ड से आते हैं तो उनको उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना रहेगा और 12th बोर्ड का रिजल्ट। अगर आपको अभी प्रोवाइड नहीं किया गया है हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में तो डिजी लॉकर वाला भी चलेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तो आप यहाँ पर आ सकते हो वेरिफिकेशन के लिए। आपको फैकल्टी और यूनिवर्सिटी टाइम देगी सबमिशन कराने के लिए, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए आप आ जाना और डिजी लॉकर वाला मार्कशीट लेकर आना। और ये था सेंट्रल बोर्ड CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अपडेट। अब हम बात करेंगे कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं। ST कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको ST कास्ट कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो लाना रहेगा, और आपके फादर का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आपको लाना रहेगा। ओरिजिनल तो लाना ही रहेगा, साथ साथ में दो जेरोस कॉपी उन सारी चीज़ों की लानी रहेगी। ST कैटेगरी और इनकम सर्टिफिकेट आपके फादर के जो है उसकी जेरोस कॉपी और ओरिजिनल कॉपी। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हो तो OBC कैटेगरी के लिए आपको OBC कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ये दो कैटेगरी के, ये जो दो सर्टिफिकेट है OBC कैटेगरी के लिए ये कंपलसरी है। इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और दो जेरोस कॉपी आपको लानी रहेगी। इफ़ आर यू फ्रॉम EWS कैटेगरी, अगर EWS कैटेगरी से आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके लिए आपको EWS का सर्टिफिकेट लाना रहेगा ओरिजिनल और उसकी दो जेरोस कॉपी। तो ये थे कल के लिए डॉक्यूमेंट की अपडेट। और मैं आपको फाइनली बता दूं कि जो थैलेसीमिया का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है। मेरे एग्जैक्टली सामने रीडिंग रूम दिख रहा है, वहाँ पर सरस्वती माता की मूर्ति दिख रही है, उसके पीछे जो रीडिंग रूम है, रीडिंग रूम के अंदर आप सभी का जो थैलेसीमिया का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है वो वहाँ पर हो जाएगा और आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी। वो रिसिप्ट आपको लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना रहेगा जिन लोगों ने भी थैलेसीमिया का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं कराया है। और 200 रुपीज़ उसका चार्ज रहेगा और ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको कैश पेमेंट लेके आना रहेगा। और जो भी पेरेंट्स आएंगे वो रीडिंग रूम में बैठ के वेट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी सारी बैठने की जगह है, यहाँ पर सब बैठ सकते हैं। क्लासरूम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को जाने देंगे, ये बात आप ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कल कौन से स्टूडेंट्स आने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो कल 30 जून है, सुबह 10 बजे आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है, और थैलेसीमिया जिसका भी बाकी रह गया हो, जिसने ना कराया हो, वो 9 बजे आ जाना। 9 बजे थैलेसीमिया का जो हेल्थ सेंटर है यहाँ पर खुल जाएगा, यहाँ से आपका जो रिपोर्ट है वो निकल जाएगा। रिपोर्ट बाद में आएगा लेकिन रिसिप्ट मिल जाएगी, और रिसिप्ट जो है वो वैलिड रहेगी वेरिफिकेशन के लिए। मैं आप सभी को बता दूं कि सुबह 10 बजे सीरियल नंबर 1 से लेकर 125 तक M1 क्लासरूम में बैठना है, सीरियल नंबर 126 से लेकर 250 तक M2 क्लासरूम में बैठना है, सीरियल नंबर
सीरियल नंबर 251 से लेकर 375 तक उनको M3 क्लासरूम में बैठना है। सीरियल नंबर 376 से 500 तक उनको M4 क्लासरूम में बैठना है। M1, M2, M3 और M4 शेड्यूल में जो सीरियल नंबर दिया है उनको उस क्लासरूम में जाना रहेगा। M1, M2, M3 और M4 जो क्लासरूम है, मैं आप सभी को बता दूं, ये मेन बिल्डिंग दिख रहा है, यहाँ पर जो व्हीकल दिख रहा है वहाँ से ही आपको अंदर जाना है। तो मेन बिल्डिंग का जो एंट्रेंस का गेट है अंदर क्लासरूम का, वो मिल जाएगा। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर M1, M2, M3 और M4 का जो क्लासरूम है वो आपको मिल जाएगा, M1 से लेकर M4 तक। अब हम बात करेंगे सीरियल नंबर 501 से लेकर 625 तक उनको M5 क्लासरूम में जाना है। सीरियल नंबर 626 से लेकर 750 तक उनको M6 क्लासरूम में जाना है। सीरियल नंबर 751 से लेकर 875 तक उनको M7 क्लासरूम में जाना है। और सीरियल नंबर 876 से लेकर 1000 तक उनको M8 क्लासरूम में जाना है। तो जिसका भी नंबर M5, M6, M7 और M8 क्लासरूम में आया है उनको भी एंट्री यहाँ से ही लेनी होगी। और जो M5, M6, M7, M8 क्लासरूम है वो फर्स्ट फ्लोर पर है मेन बिल्डिंग पर, तो आप सभी को फर्स्ट फ्लोर पर चले जाना रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीरियल नंबर 1001 से लेकर 1125 उनको M9 क्लासरूम में जाना है। सीरियल नंबर 1126 से लेकर 1250 उनको M10 क्लासरूम में जाना है। सीरियल नंबर 1251 से लेकर 1375 उनको M11 के क्लासरूम में जाना है। सीरियल नंबर 1376 से लेकर 1500 तक उनको M12 क्लासरूम में जाना है। तो M9, M10, M11 और M12 में जिस भी स्टूडेंट्स का सीरियल नंबर है उनके क्लास भी यहीं से है, यहाँ से वे है जाने का रास्ता है। और सेकंड फ्लोर जो दिख रहा है वहाँ पर M9, M10, M11 और M12 का क्लासरूम आया है, तो आप सभी को वहाँ पर चले जाना है। शेड्यूल में आप देखोगे तो वहाँ पर आपका सीरियल नंबर और क्लासरूम नंबर आपको दिखाई देगा, तो वहाँ पर आपको चले जाना है। और कल जो सीरियल नंबर है 1 से लेकर 1500 तक का है, तो कल आप सभी लोग आ जाना। इफ़ अगर आप नहीं आ सकते हो तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके घर पे, अगर आपके मम्मी या पापा हो आप उनको भेज देना, आपके भाई या बहन है या फिर कोई रिलेटिव है तो उनको भेज देना, लेकिन जो डेट दी गई है उस डेट पर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए आप सभी लोग आ जाना। और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन जब आपका सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद में आपको फीस पेमेंट का मैसेज फॉरवर्ड किया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा, और टैक्स मैसेज के फॉर्मेट में आएगा। तो फीस पेमेंट का जो मैसेज आएगा और उसमें लिंक आएगी और यूज़र नेम और आपका पासवर्ड आएगा, वो संभाल के रखना, उसी से आप MSU के पोर्टल पर हमेशा लॉगिन कर सकोगे। तो फीस पेमेंट करने के बाद आपकी जो बिल्डिंग है वो अलॉट की जाएगी और आपको बताया जाएगा फीस पेमेंट जब करोगे कि किस बिल्डिंग पर आपको एडमिशन मिला है। अब जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे तो मेजोरिटी स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन होगा MK अमीन पात्रा कॉलेज और यूनिट बिल्डिंग पर, क्योंकि मेन बिल्डिंग और गर्ल्स बिल्डिंग की जो सारी सीट है वो फुल हो चुकी है। तो कल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये था शेड्यूल, मैंने जो सभी इंपॉर्टेंट नोट्स थी और बातें थी वो आपको शेयर कर दी। और कल आप सब लोग आ जाना यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कम से कम एक स्टूडेंट्स को यहाँ पर 2 to 3 hours 2 से 3 घंटे का वेट करना रहेगा। और जो टाइमिंग दिया हुआ है सुबह 10 बजे वहाँ पर आप 10 बजे यहाँ पर आ जाना, और साथ साथ में थैलेसीमिया का जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है वो वहाँ पर रीडिंग रूम में वहाँ से हो जाएगा, तो किसी को कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कल येलो टी शर्ट में और उसके अलावा भी ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन AGSU के मेंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। इफ़ कोई हेल्प चाहिए हो तो आप उनसे मांग लेना, और जो भी जेरोक्स है जेरोक्स आपके वहाँ से निकलवा कर लाना, क्योंकि फैकल्टी के कैंपस में एक ही जेरोक्स सेंटर है जहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है और आपको लाइन में रहना पड़ सकता है। तो मैंने जो जो डॉक्यूमेंट बोले और इंस्टाग्राम के पेज पर जो जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आई है उन सभी की 2 जेरॉक्स कॉपी और ओरिजिनल कॉपी लेकर जरूर से जरूर आना। नमस्ते।